नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो पामिस्ट्री बाय आयुष में आपका स्वागत है। मैं आपका आयुष आज एक महत्वपूर्ण वीडियो बना रहा हूं, जिसमें आज मैं आपको ऐसे पांच विशेष पॉइंट बताऊंगा जो कि आप देख सकते हैं। हाथ की बनावट, गुरु पर्वत चिन्ह, धन त्रिभुज, भाग्य रेखा एवं केतु चिन्ह का फॉर्मेशन, ये पांच ऐसे चिन्ह बताऊंगा जो कि किस तरह से बनने चाहिए हाथ में, जो कि मनुष्य को एक धनाढ्य व्यक्ति बनाता है, साथ ही धनवान वह पैसे से परिपूर्ण करता है। मतलब जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थितियों से गुजरे, चाहे जीवन में कैसी भी चुनौतियां आए, परंतु भाग्य उसे एक बार जीवन में धनाढ्य जरूर बनाएगा, पैसे वाला व्यक्ति जरूर बनाएगा। धन की समस्याएं ऐसे व्यक्तियों को जिनके हाथ में ये चिन्ह देखे जाएंगे, ऐसे व्यक्तियों को धन से रिलेटेड समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। साथ ही एक और भ्रांति है कि हमें अपना हाथ देखना कौन सा चाहिए। महिला और पुरुष में ये बहुत ज़्यादा भ्रांति फैली हुई होती है कि महिलाएं अपना कौन सा हाथ देखें, जो चीज़ मैं हाथ में बताऊंगा, और पुरुष अपना कौन सा हाथ देखें। तो देखिए, यदि आप पुरुष हैं तो आप अपने सीधे हाथ में देखिए जितनी भी जानकारी दूंगा, और महिलाएं अपने लेफ्ट हैंड में देखिए, और सुनिश्चित हो जाइए कि आप भी एक धनवान और धनाढ्य और कह सकते हैं पैसे से परिपूर्ण रहेंगे। पैसे के कारण आपको परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो मैं बात को चालू करता हूँ। साथ ही यदि आपको मेरे द्वारा कंप्लीट पाम का एनालिसिस करवाना है तो वीडियो पर जानकारी चल रही है, आप वहां पर जाके मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। शुरुआत के 50 लोगों के लिए अभी 501 रुपये चार्जेस रहेंगे, उसके बाद 1100 रुपीज़ फीस रहेगी। तो मैं बात को चालू करता हूँ। देखिए, सर्वप्रथम पहला चिन्ह की बात की जाए, हाथ की बनावट। कि हाथ की बनावट से मेरा क्या तात्पर्य है, आपको देखना है कि आपकी हाथ की बनावट थोड़ी सी लचीली हो, हाथ का रंग थोड़ा सा गुलाबी रंग का हो, गुलाबी और लालामी लिया हुआ, ठीक है, और हाथ की गद्दी थोड़ी सी नाजुक हो, मतलब दबने में मुलायम हो। साथ ही हाथ का, यदि आपका गुरु पर्वत, शुक्र पर्वत और चंद्र पर्वत उभार लिया हुआ हो, और जो इसे कहते हैं राहु क्षेत्र, मध्य क्षेत्र, ये थोड़ा सा दब रहा हो, मतलब गहरा हो, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में हाथ में पैसा रुकता भी बहुत है, और ऐसी स्थिति में हाथ में पैसा अलग अलग सोर्सेस से आता भी बहुत है, ठीक है। दूसरी स्थिति की बात करें, गुरु पर्वत पर बनने वाले विशेष चिन्ह। अब गुरु पर्वत पर केवल चिन्हों से नहीं, गुरु पर्वत का बनावट से भी देखा जाता है। गुरु पर्वत की बनावट पहली बात उभरी हुई होनी चाहिए, और यदि गुरु पर्वत पर क्रॉस का चिन्ह है या फिर गुरु पर्वत पर स्वास्तिक का चिन्ह है, देखिए स्वास्तिक का चिन्ह है तो आप धनवान क्या मल्टी मिलेनियर और बिलेनियर भी बन सकते हैं, परंतु यदि क्रॉस का चिन्ह है तो ये चीज़ के लिए सुनिश्चित हो जाइए, जीवन में इतनी सफलताएं आपको मिलेंगी कि आप अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे और एक सफल व्यापारी या फिर सफल अधिकारी या फिर एक सफल व्यक्ति बन पाएंगे, ठीक है। साथ ही गुरु पर्वत ही इंसान को, गुरु पर्वत पे यदि क्रॉस का चिन्ह है तो मतलब गुरु पर्वत आपका एक्टिवेटेड है, और आप में थॉट प्रोसेस, सोचने समझने की क्षमता, आईक्यू लेवल बहुत अच्छा रहेगा, जिससे आप धन को कमाने के लिए सक्षम रहेंगे और धन को आप अलग अलग सोर्सेस से प्राप्त कर पाएंगे। विशेष रूप से ऐसी स्थिति में देखा जाता है, मनुष्य अपने धन से पैसे वाला नहीं बनता, दूसरों के पैसे से पैसे वाला बनता है, यदि उसको गुरु पर्वत एक्टिवेटेड है तो गुरु पर्वत ये चिन्ह इंसान को धनाढ्य बनाता है। तीसरे चिन्ह की बात की जाए, हाथ में बनने वाला धन त्रिभुज, ठीक है। यदि आपके राहु क्षेत्र में कोई चिन्ह हो चाहे नहीं हो, यदि आपके भाग्य रेखा से और मस्तिष्क रेखा की को लाइन को कनेक्ट करके अगर प्रॉपरली कोई धन का त्रिभुज बनना है, ऐसी स्थिति में हाथ में धन रहेगा, चाहे कोई भी सोर्सेस रहे, चाहे कैसी भी स्थिति आ जाए, हाथ में पैसे की कमी नहीं हो सकता। पैसा भले ही आता जाता रहे, परंतु पैसा रहेगा जरूर, और जब उसे ज़रूरत होगी तब उसकी पैसे की पूर्ति होगी, ठीक है। चौथे चिन्ह की बात करें, चौथा चिन्ह होता है हमारी भाग्य रेखा। यदि आप गौर करेंगे, अच्छा एक चीज़ और, भाग्य रेखा की मोटाई और पतलापन होना भी उस पर बहुत डिपेंड करता है। ये नहीं हो कि भाग्य रेखा बहुत ही ज़्यादा गहरी हो, यदि गहरी भाग्य रेखा है तो ऐसी स्थिति में इंसान के जीवन में संघर्ष बढ़ जाता है, ठीक है, संघर्ष की कह सकते हैं वृद्धि हो जाती है, बहुत कठिनाइयों से जीवन में एक मुकाम हासिल कर पाता है, चाहे वो गहरी भाग्य रेखा नीचे चालू होकर सीधे ऊपर तक जाए। भाग्य रेखा होनी चाहिए बहुत नाजुक, ठीक है, ऐसी भी नहीं कि जो विजुअली ना हो, जो मध्यम मोटाई की भाग्य रेखा होती है ना, जो एक पतली धार सी दिखाई देती है और सीधी जाती है, ठीक है, ऐसी भाग्य रेखा वाले व्यक्तियों का भाग्य बहुत उच्च क्लास का होता है। ऐसे लोगों को जीवन में पहली चीज़ तो बड़े पद की प्राप्ति होती है, पद कैसी कि सामाजिक दृष्टिकोण से एक नाम सम्मान इज्जत बहुत अच्छा होता है, यदि ऐसी भाग्य रेखा है तो बड़े पद की भी प्राप्ति हो सकती है, नाम सम्मान इज्जत की भी प्राप्ति हो सकती है, धन की कभी किसी की तरह से कमी नहीं रहेगी, धन आने के सोर्सेज बहुत रहेंगे। ऐसी अवस्था में देखा गया इंसान सेटल हो ही जाता है, कोई अच्छे पद वगैरह पहुंच जाता है, या फिर सामाजिक दृष्टिकोण से अपने काम को बहुत अच्छी तरीके से विस्तारित कर लेता है।
दूसरी चीज़ एक और, भाग्य रेखा का दो मुही होना या फिर तीन मुही होना और अच्छा फलदायक होता है, क्योंकि दो मुही रेखा होगी भाग्य रेखा यदि आगे से जाके, ऐसी स्थिति में तो देखा जाए इंसान एक से अधिक रास्ते से पैसे को अर्जित करता है। केवल उसके पैसे कमाने के एक रास्ते नहीं रहेंगे, एक से अधिक रास्ते रहेंगे धन को अर्जित करने के। ठीक है, अब लास्ट और सबसे ज़रूरी चिन्ह देखा जाता है केतु चिन्ह। ये केतु चिन्ह नॉर्मली बनता भी नहीं है, ये केतु चिन्ह बनता है जीवन रेखा के अंत पर। यदि आपके जीवन रेखा पे किसी प्रकार का मछली का चिन्ह बन रहा है ऊपर की ओर मुंह किया हुआ, तो ऐसी स्थिति में देखा जाता है कि मनुष्य को जीवन की जो मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, रोटी कपड़ा मकान घर की व्यवस्थाएं बच्चों की पढ़ाई लिखाई फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और जीवी जितने भी मूल लग्जरीज होती हैं, छोटी मोटी गाड़ी का सुख प्राप्त करना, यदि ये चिन्ह है तो ये तो चिन्ह ये खुशियाँ तो उसे मिलेंगी। इसके अलावा यदि और भी चिन्ह हो तो फिर और ज़्यादा धनाढ्य होता जाएगा वो। मतलब ये चिन्ह इस चीज़ को श्योर कर देता है आप मिडिल क्लास जिंदगी तो आराम से जियेंगे, इतना धनाढ्य इतने धनवान तो रहेंगे कि जो बेसिक लग्जरीज हैं, गाड़ी वगैरह का शौक है, जो बेसिक घर की आवश्यकताएं हैं, बच्चों की लग्जरीज हैं, ये सारी तो आप फुलफिल करेंगे। इसके ऊपर हो जाए तो वह आपके भाग्य आपके हाथ में अन्य चिन्ह उस चीज़ को सूचित करते हैं, परंतु यदि ये केतु चिन्ह है तो इतनी स्टेबिलिटी जीवन में तो रहने ही वाली है। तो धन्यवाद, ऐसी ही और रोचक जानकारी भरी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियोस को यदि लाइक नहीं किया तो लाइक करें, अपने दोस्तों और मित्रों में शेयर करें और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आपके पास ऐसी रोचक जानकारी भरी वीडियोस सबसे पहले देखने का मौका मिले। धन्यवाद।